गंगरार में 4 दिवसीय प्रतियोगिता का माई स्कूल परिसर में हुआ शुभारंभ। प्रतियोगिता में हैंडबॉल और सॉफ्टबॉल की टीमों ने लिया भाग। हैंडबॉल में छात्र वर्ग की 16 और छात्राओं की 11 टीमों ने भाग लिया। इस तरह सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में छात्र वर्ग की 5 और छात्रा वर्ग की 4 टीमें भाग ले रही है। दोनों प्रतियोगिताओं में 36 टीमों के 410 छात्र छात्राएं खेल रहे मैच। वहीं उद्घाटन मैच राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोरदा और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिछोर के बीच खेला गया। वहीं सॉफ्टबॉल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाड़ाना और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणेशपुरा के बीच खेला गया। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि रविंद्र सिंह तहसीलदार गजराज मीणा ने बच्चों को खेल की शपथ दिलाई। ठाकुर जी से अनुरोध है कि मंच पर राज अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं इस उद्बोधन के क्रम में परम श्रद्धेय श्रीमान तहसीलदार साहब हमारे बीच में विराजमान है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा पदाधिकारी बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और ये बच्चों को ऐसे टिप्स आप दें ताकि ये बच्चे यहाँ से राजस्थान में जब राज्य स्तर पर खेलने के लिए जाएंगे तो हमारे गंगा का नाम भी बच्चे रोशन करेंगे, चित्तौड़ का नाम रोशन करेंगे। प्लीज सर स्पीक सम फ्यू वर्ड्स। मंचासी अतिथि और विभिन्न स्कूलों से पधारे सभी शारीरिक शिक्षक, स्थानीय स्कूल का स्टाफ और सभी प्रतिभागी बच्चों, सबसे पहले मैं इस 66वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल एंड वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अब समय बदल गया है, जिस तरीके से हम गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए पहले बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी, आज आप खेल कूद कर चुकी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। इस सरकार ने गवर्नमेंट जॉब में 2% कोटा केवल खिलाड़ियों के लिए फिक्स कर दिया है। अगर आप अच्छा खेलोगे तो भी आप गवर्नमेंट जॉब लग सकते हो। और एक खिलाड़ी के लिए अच्छे आर्थिक पैकेज की भी व्यवस्था है। अब अगर कोई अच्छा प्रदर्शन करता है उसको खूब सारा सम्मान मिलता है, खूब सारा पैसा मिलता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अब जो गेम्स है उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब हम कोई नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं देखते हैं, वहाँ राजस्थान का जो मेडल लिस्ट होती है उसमें दूर दूर तक नंबर नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके का वातावरण नहीं है राजस्थान में कि स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का रुझान ज्यादा नहीं है। तो आप सब युवाओं को अलग अलग विभागों में भी जो खिलाड़ी हैं उनके लिए कोटे फिक्स कर रखे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप अच्छा खेलोगे तो भी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। इसी के साथ मैं सभी जो प्रतिभागी है इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।